अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। योगी सरकार ने प्रदेश के बड़े माफिया नेटवर्क को धराशाही करने का बड़ा अभियान चलाया है। अभियान में निशाने पर मुख्य रूप से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अनिल दुजाना और सुंदर भाटी हैं। इन माफिया सरगनाओं की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही इनके गुर्गों पर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी में 40 माफिया सरगनाओं पर यूपी सरकार और पुलिस की टेढ़ी नजर है, जिसके चलते उनकी करीब 300 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति और अवैध धंधे बंद कराए जा चुके हैं। यूपी सरकार ने अब तक प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट में 495 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मुख्तार अंसारी के गुर्गों और करीबियों के खिलाफ हैं। पुलिस ने माफिया के खिलाफ इस बड़े अभियान में अब तक आगरा जोन में 48 करोड़, वाराणसी जोन में 47 करोड़, बरेली जोन में 25 करोड़, इसी तरह आजमगढ़, गाजीपुर, नोएडा में करीब 10-10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। अकेले मुख्तार अंसारी की ही 100 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार जब्त कर चुकी है। आपको बता दें कि कल ही लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में से एक हजरतगंज के डालीबाग में मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया। मुख्तार के बेटे अब्बास और उमर के नाम पर संपत्ति थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम 20 जेसीबी और 250 से अधिक पुलिसकर्मियों और पीएसी के साथ मौके पर पहुंची और 2 मंजिला बिल्डिंग गिरा दी गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण की माने तो प्राधिकरण के दस्तावेजों में दर्ज गाटा संख्या 93 का ये हिस्सा शत्रु या निष्क्रांत संपत्ति है, जिसको 20 साल पहले दस्तावेजों में हेरा फेरी कर पहले मुख्तार अंसारी की मां राबिया के नाम दर्ज कराया गया और फिर मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी इस सरकारी संपत्ति के मालिक बन बैठे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराने में जो खर्च आया, उसको भी अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से वसूला जाएगा। साथ ही एफआईआर दर्ज कर उन अफसरों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिनके कार्यकाल में इस सरकारी जमीन पर न सिर्फ कब्जा हुआ बल्कि निर्माण तक करा दिया गया। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।